मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका कुछ तथ्यात्मक चीज़ को देख रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं है बल्कि तथ्य के रूप में है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। तथ्य के रूप में है, विकास जो है गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर आगे है, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, मानसिक होता है और संवेगात्मक होता है। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन जो होता है गुणात्मक भी होता है। अगला है, विकास क्रम प्राणी को परिपक्व प्रदान करता है। विकास क्रम में प्राणी को परिपक्व प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास जो है परिपक्वता और परिवर्तन की श्रृंखला है। फिर है, विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला कहा जाता है। विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास क्रम में होता क्या है, नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। फिर अगला है, विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होता है और विनाशात्मक दोनों प्रकार से होता है। और प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। शुरू में जो परिवर्तन होता है वो रचनात्मक होता है, यानी हमारी जिंदगी के आधे उम्र से पहले जो परिवर्तन होता है वह रचनात्मक होता है। और उत्तरार्ध में मतलब आधे उम्र के बाद लगभग बुढ़ापे में की तरफ जो जाता है तो उत्तरार्ध में होने वाला परिवर्तन जो होता है विनाशनात्मक होता है, मतलब उसके बाद हमारे शरीर का क्षय होने लगता है। अगला है, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं। रचनात्मक परिवर्तन जो है माने शुरुआती वाला जो है जो प्राणी में परिपक्वता लाते हैं, और विनाशात्मक परिवर्तन जो है उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। अगला है, मानव का शारीरिक विकास दो दिशाएं में होता है। मानव का शारीरिक विकास जो होता है दो दिशाएं में होता है। पहला होता है मस्तकाधोमुखी विकास होता है और दूसरा होता है निकट दूर विकास होता है। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाएं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास होता है और निकट दूर विकास होता है। तो मस्तकाधोमुखी विकास में विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन है कि मस्तकाधोमुखी विकास किधर से किधर होता है, तो मस्तकाधोमुखी विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और भ्रूणावस्था में पहले इस मतलब भ्रूणावस्था में जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसी को भ्रूणावस्था कहते हैं। तो भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धर तथा निचले भाग का विकास होता है। पहले किसका, सिर का विकास होता है और बाद में धर तथा निचले भाग का विकास होता है। इसका दूसरा क्या था, निकट दूर विकास। तो निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। निकट दूर पहला में देखे थे मस्तकाधोमुखी विकास, दूसरा है निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, उसके बाद केंद्र के दूर भागों में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है। विकास क्रम में कोई भी जो बालक होता है पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया को अक्सर होते हैं, धीरे धीरे है विशेष क्रिया करना प्रारंभ करता है। फिर प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक के विकास दर में तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। फिर है, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास की गति समान नहीं होती है। हमारे शरीर का जो विभिन्न अंग होता है सभी का विकास जो गति होता है अलग अलग होता है, समान रूप से नहीं होता है। इसका विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। विकास जो है परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। फिर अगला है, बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बालक के विकास में पोषण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अच्छा पोषण मिलेगा तो अच्छा विकास होगा और खराब पोषण मिलेगा तो खराब विकास होगा। संतुलित और पौष्टिक भोजन शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। संतुलित भोजन और पौष्टिक भोजन जो है शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। फिर अगला क्वेश्चन अगला है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन सा तत्व है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो है पोषण, पोषण प्रभावित करता है, बुद्धि प्रभावित करता है, यौन जो है वो प्रभावित करता है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां है, इसके प्रजाति होता है, रोग एवं चोट होता है, घर का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। इसके बाद है शुद्ध वायु एवं प्रकाश, ये सभी ऐसा तत्व है जो विकास को क्या है, जो सभी है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। अगला है शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था जो है शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर, मतलब माँ के पेट के वातावरण से निकल करके बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। अगला है विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? विकास के क्रम में शैशवावस्था जो होता है उसका मुख्य विशेषता क्या है? तो उसमें शैशवावस्था में क्या होता है, अपरिपक्वता होता है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो अपरिपक्वता होता है, प्रसिद्धता होता है, मतलब दूसरे पर आश्रित रहता है, संवेगशीलता रहता है, हमेशा डर जाते रहता है, संवेगशीलता रहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता रहता है इसमें, तो यही शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला है कि बचपन अवस्था की विशेषता है, वहाँ शैशवावस्था की विशेषता देखे थे, अब बचपना अवस्था की विशेषता है, इसमें क्या होता है, तो यह खतरनाक अवस्था होता है, किसी चीज़ को छू देता है, बिना जाने ही किसी चीज़ को छू दिया, आग को छू दिया, मतलब कोई चीज़ जाने हुआ नहीं रहता पहले से और सबको छूने का पकड़ने की कोशिश करता है, तो इसलिए इस खतरनाक अवस्था कहते हैं इसको, अजीबो गरीब अवस्था इसको कहते हैं। बचपना अवस्था की विशेषता क्या है, तो यह खतरनाक अवस्था होता है, अजीबो गरीब अवस्था होता है, आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है, इसमें चाहता है बच्चा कि अब हम किसी की जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास से संबंधित होता है, इसमें इसका पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति रहती है, इसमें आत्मकेंद्रित और स्वप्रेमी आत्मकेंद्रित रहता है, मतलब अपने में खोया रहता है और स्वप्रेमी खुद से प्रेम करने वाला रहता है। इसका नैतिकता का अभाव रहता है, इसमें नैतिकता इसमें का अभाव रहता है। फिर है अनुकरण की प्रवृत्ति रहती है, मतलब दूसरे को देख करके अनुकरण करना, नकल करने की प्रवृत्ति रहती है। मानसिक क्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय, ये सभी इसकी विशेषता है। अगला है पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था होता है जो तीव्र विकास की अवस्था होता है, इसको क्या क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को हम तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं, स्कूल पूर्व की अवस्था उसको कहते हैं, समूह पूर्व की अवस्था कहते हैं, और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं, स्कूल पूर्व की अवस्था कहते हैं, समूह पूर्व की अवस्था कहते हैं, और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है, किसको, पूर्व बाल्यावस्था को। फिर अगला है पूर्व बाल्यावस्था में बालक में हो जाएगा, यहाँ बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है बालक जो होता है कोई भी काम करता है वो चाहता नहीं है कि मेरे काम को कोई रोके, कोई हस्तक्षेप करे, तो वही है अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है, पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है विद्रोह की भावना उसमें पाई जाती है। इसके बाद स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है, वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करना अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। फिर अगला है विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को, और विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, प्रारंभिक स्कूल की आयु कहते हैं, चुस्ती की आयु कहते हैं। विकास के क्रम में जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको क्या कहता है, तो प्रारंभिक स्कूल की आयु कहते हैं, चुस्ती की आयु कहते हैं, मतलब बहुत फुर्ती रहता है इसमें, समूह आयु कहते हैं, सारस अवस्था उसी कहते हैं, नैतिक विकास की आयु इसी कहा जाता है, इत्यादि की अवस्था कहा जाता है, किसको, उत्तर बाल्यावस्था को ही कहा जाता है प्रारंभिक स्कूल की आयु,
चुस्ती की आयु, समूह आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु कहा जाता है। अगला है विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो किशोरावस्था को जो सुनहरी अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अब है किशोरावस्था के प्रमुख विशेषताएं क्या है, किशोरावस्था जो होता है उसका प्रमुख विशेषता क्या होता है, तो यह परिवर्तन की अवस्था होती है। यह अवस्था जो होता है परिवर्तन की अवस्था होती है, अवस्था है। इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है, यानी लिंग भेद इसमें पता चलता है कौन कौन लिंग है। अगला है इस अवस्था में बालक कल्पना की प्रधानता, बालक में जो होता है कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था होती है, सबसे ज़्यादा तनाव किशोरावस्था में रहता है। फिर है यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है, किशोरावस्था में पूर्ण वृद्धि होती है इसलिए यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। किशोरावस्था क्या होता है, आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है वह निर्णय करने की अवस्था होती है। फिर है वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि जो है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन जो होता है शारीरिक होता है, और वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक भी होते हैं, और इसके बाद वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं। मतलब क्या देखे हैं, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होता है, मात्रात्मक होता है और रचनात्मक होता है। फिर है विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, यानी रहेगा कि विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। फिर है अगला है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं, मतलब नीचे वाला जो कक्षा होता है, तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण जो है खेल विधि पर आधारित होती है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। फिर आगे है गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो 280 दिन में वह विकसित होता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड का होता है। जब बच्चा पैदा लेता है उस समय लगभग 7 पाउंड उसका भार रहता है। अगला है हरलॉक के अनुसार, हरलॉक मनोवैज्ञानिक थे, तो हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। हरलॉक के अनुसार क्या है, तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इसके बाद है मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है, तो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। फिर अगला है डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। फिर आगे है डॉक्टर हॉल का सिद्धांत क्या है, तो हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत जो है किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं क्या है कि हॉल के सिद्धांत के अनुसार किशोरों को मनोवैज्ञानिक से संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फिर से इसको देखते हैं, हॉल का सिद्धांत जो है किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। क्या करता है हॉल, तो किशोरों को मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फिर है किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेता है।
किशोरावस्था मानव शरीर मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेता है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान, एक ऐसा विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार में के परिमार्जन के लिए एक शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है, विशेष सहायता ली जाती है। फिर अगला है बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर यानी गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व यानी गर्भावस्था के काल से लेकर के उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालक को व्यवहार स्थिति व समस्याओं के साथ साथ उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। फिर आगे है जॉन वी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जॉन वी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। वाटसन का कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अधिगम अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादी की प्रमुख विशेषता है। अधिगम अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर विशेष ध्यान केंद्रित करना व्यवहारवादी की प्रमुख विशेषता है। फिर आगे है विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम कब होता है? तो किशोरावस्था में होता है। इस अवस्था में विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। विकास से संबंधित विशेषताएं कौन है? तो मानसिक योग्यता, कल्पना शक्ति, भाषा एवं रुचि का विकास। मानसिक योग्यता का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसके बाद भाषा एवं रुचि का विकास होता है। इसमें है आगे है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को दोनों को मिलाकर शारीरिक वृद्धि एवं विकास को मिलाकर के अभिवृद्धि कहा जाता है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं निश्चित सीमा तक चलती है तथा शारीरिक विकास एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत होता है, इसलिए इसे अभिवृद्धि कहा जाता है। फिर है वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक सिद्धांतों को का प्रतिपादन किया गया। कौन कौन सिद्धांत है? जैसे है फ्रायड का कौन सिद्धांत है? तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। इसका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसके बाद एरिक्सन का जो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इसके बाद है चोमस्की का भाषा विकास सिद्धांत। इसके बाद है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांत है, फिर से देख लेते हैं इस सिद्धांत को। जैसे फ्रायड का कौन सा सिद्धांत है? जैसे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया तो फ्रायड ने दिया। इसके बाद जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया तो जीन पियाजे ने दिया। फिर अगला है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया। इसका चोमस्की का भाषा विकास सिद्धांत, यानी भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? तो चोमस्की ने दिया। फिर है आगे है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, यानी नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया।
तो इस तरह से लग इसमें क्या है कि डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को देखे हैं, क्वेश्चन तथ्य को देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।